देखते हैं मम्मी क्या कर रही है पर्दे के साथ। आप लोग को चलिए दिखाते हैं क्या कर रही है मम्मी। हाँ बेटा, पर्दे के साथ है तो। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह, मैं यूट्यूब चैनल ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है। फिर नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होते हैं। घड़ी बज गया है 4, आज मैं 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट करें, जो कि आप लोग को कल वाले मेरे ब्लॉग में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज मैं पर्दे के साथ मतलब बहुत ही ट्रेंडिंग में मतलब चल रहा है, तो मैंने सोचा हम भी देखते हैं कि वो मतलब अच्छा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर जो भी मैं पर्दा लगाई हूँ, मतलब यहाँ से ये मतलब इस तरह से जगह हो जा रहा है, तो इस तरह मतलब इसमें वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा वो देखते हैं कि अच्छा होता है कि नहीं। और जब भी हम लोग जाते हैं बीच में से इस तरह से मतलब फ्रेश देख सकते हैं जगह हो जाता है। तो चलिए इसको मैं आप लोग को पहले इसको निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले इस पर्दे को हम लोग निकालते हैं बाहर और इसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं और इसको लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे पर्दे निकाल ली हूँ और अलग अलग पर्दा है तो इसको मैं जो कि बहुत ज़्यादा आप चाहे तो इसको खिड़की पर दरवाजे पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था, मतलब वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा हम भी लगा देखते हैं कि अच्छा मतलब आता है कि नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर जो ये है पर्दे का, इसको इस तरह से रखना है इस तरह से, फिर इस तरह से रखना है। जो ये आखिरी का बच रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो आखिरी का है इसको इस तरह से लेना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से सारे जो पर्दे हैं फ्रेंड्स इसको इसमें पहनाना है पाइप में। इस तरह से फ्रेंड जो ये लास्ट का बच रहा है फ्रेंड और ये वाला, इसके ऊपर इस तरह से रखना है फ्रेंड, इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड, और चलिए इसको पहना के देखते हैं कि मतलब ठीक है कि नहीं। जैसे हम लगाए थे पहले वैसा है कि जो इस समय वायरल हो रहा है पर्दा, मतलब उस तरह का है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं फिर। इस तरह से आप चाहे तो खिड़की पर, दरवाजा पर, हर जगह इस तरह से पर्दे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगा फिर। और मैंने सोचा आप लोग से ये भी शेयर करते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी पर्दा जो कि आप लोग देखते हैं और दिखाते भी हैं कि किस तरह से मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, हमको तो काफ़ी अच्छा लगा फिर। और यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है पिन लगाने के लिए फिर, देख सकते हैं हवा से। मेरा छोटा सा नीचे का रूम है जो कि यहाँ पर बाबू लोग का साइकिल रखा है, देख सकते हैं ये दोनों बाबू का साइकिल है और एक सोफा है, चारपाई लगा हुआ है जो कि इस पर बच्चे लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं ना जी। और मेरा छोटा सा रूम है फ्रेंड्स जो कि मिट्टी का है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, मतलब ठंड गर्मी के सीजन फ्रेंड्स इसमें जो कि बहुत ज़्यादा राहत रहता है। और ये सब जो कि दीवार जो है फ्रेंड्स ये मिट्टी का है, ये दीवार मिट्टी का है, दरवाजा आप लोग देख सकते हैं लकड़ी का है जो कि बहुत ही पहले का है, मतलब मेरे दादाजी जो थे मेरे हस्बैंड जी के दादाजी, तो मेरे भी दादाजी लगेंगे तो उनके ज़माने का है, मतलब ये तीसरा पीढ़ी हम लोग देख रहे हैं दरवाजा पे, मतलब दादाजी, पापा जी, मतलब ससुर जी और मेरे हस्बैंड जी, तो देख सकते हैं दरवाजा इतना मजबूत है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है फ्रेंड्स, इसमें भी अभी कीड़े नहीं लग रहे हैं। तो मैंने सोचा ये भी आप लोग को दिखा देते हैं क्योंकि मैं गाँव से हूँ तो गाँव से सारा चीज़, ये भी दरवाजा देख सकते हैं फिर, ये भी है, ये भी है। आके कहाँ था भैया? तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं खेत में से कुछ सब्जियां लाते हैं शाम के लिए, और घड़ी में 5 बज रहा है तो मैंने सोचा चलिए सारे टाइम जो कि सब्जी भी ले लेते हैं। तो आओ बाबू चलते हैं। तो यहाँ पर एक लौकी हो गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसको हम लोग तोड़ लेते हैं और दूर गए, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा है लौकी है फ्रेंड्स, इसका सब्जी
और जो सब चीज़ बन जाएगा फिर देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा लिया है फिर छोटा सा बाबू क्यूट। और देख सकते हैं सभी और क्या है यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा है फिर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक छोटा है। और नेनुआ देखते हैं अगर है तो उसको भी तोड़ लेते हैं फिर हम लोग सब्जी में। खोजिए बाबू आप भी है कि नहीं तोड़ने ला सभी छोटा है क्या तो अभी फ्रेंड बहुत ही छोटा छोटा है देख सकते हैं नेनुआ भी बहुत छोटा है देख सकते हैं इतना छोटा छोटा है इसको अभी दो दिन तीन दिन रहेगा खेत में। और यहाँ पर यहां भी है यहाँ पर भी है तो भी बहुत छोटा है फिर तीन दिन में हो जाएगा तोड़ने ला तीन दो ठो हाँ तो छोटा है बाबू आइए और आम आप लोग को कल आम में दिखाई भी थी वो आम सूरन का पेड़ है देख सकते हैं इस तरह से इसका चौड़ा चौड़ा पत्ती होता है ये सूरन का है फिर देख सकते हैं ये सूरन है ये भी सूरन है सारा सूरन है फिर ये भी है क्या बेटा सब उसे ही हो जाएगा वो चौड़ा हो जाता है पानी चला दीजिए फूल में यहाँ पर पानी भी डाल देते हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और पानी बहुत ज़रूरी है पौधों को। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसको चंपा चंपा बोलते हैं इसमें देख सकते हैं लाल लाल होगा फूल है फ्रेंड्स ये लाल 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 इसमें निकलता है लाल और वाइट होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी बहुत सारे पौधे हैं देख सकते हैं धूप है फिर देख सकते हैं ये भी छोटा छोटा फ्लावर जैसा ले रहा है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हाँ और ये भी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आइए फ्रेंड्स आप लोग को एक और मैं दिखाती हूँ तो वाला तो ये देख सकते हैं फिर इसको दूर थोड़ा दूर हुई है बेटा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग क्या कहते हैं इसका नाम अगर आप लोग को मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका हम लोग मतलब इसका नाम है फ्रेंड्स लैला मजनू अगर आप लोग सुने हैं कि नहीं बताइएगा जरूर। तो ये पौधा मतलब फूल है फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से ये फूल मतलब वाइट लाल रहता है और इसका नाम है लैला मजनू मतलब फ्रेंड्स ये इसी तरह सो वाला रहता है इसका जो पत्तियाँ हैं फ्रेंड्स ये भी ब्लैक ही रहता है तो इसमें और बस ये जो फूल है लाल और वाइट होता है देख सकते हैं यहाँ पर अभी है और इतने छोटे छोटे फूल इसका जो कि फरते हैं फिर यहाँ पर और शनि भगवान का ये बीच है देख सकते हैं ये भी है तो फ्रेंड्स ये हम देख सकते हैं ये भी पौधा है फिर फूल का है चलो है फिर हम बोलिए नहीं देख सकते हैं गुलहर 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 बोलते हैं इसको ये फूल है फ्रेंड्स इसका फर अभी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि इसको आप फूल भी दुर्गा माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है और इसका फर जो कि फ्रेंड्स खाया भी जाता है बहुत ही फायदेमंद होता है और बीमारी जो कि उससे दूर होती है। तो इसका जो फर है भी मैं खा लेती हूँ फ्रेंड्स और इसका फूल भी मैं खाती हूँ इसको बालों में भी लगाया जाता है और फेस पर भी लगाया जाता है जो पिंपल है जो दाग धब्बे हैं इससे जो ये फूल से दूर हो जाते हैं फ्रेंड्स जो छाइयाँ होती हैं वो भी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो कि कई काम में दवा के रूप में आता है तो इस तरह से पत्ते हम लोग खा भी जाते हैं फ्रेंड्स इसको जो कि हमको बहुत पसंद है ये फूल फूल भी पसंद है इसको हम जो फर है फ्रेंड्स इस टाइम फर नहीं दिखाई दे रहा है नहीं तो मैं आप लोग को खा के भी दिखाती लेकिन इसका जो फूल है आप लोग को मैं खा के दिखा रही हूँ काफ़ी टेस्टी है फ्रेंड्स जो कि पेट के लिए तो बहुत फायदेमंद है जो मैं इसको खाती रहती हूँ फ्रेंड्स। इसके जो पत्ते इसके पत्ते भी बहुत फायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स इसको बाल में लगाइए और फेस पर लगाइए जो धब्बे हैं वो भी दूर हो जाते हैं तो बाल के लिए फिर जो कि आपके जो वाइट बाल हो रहे हैं फिर एक काला करता है ये पत्ते इसके लंबे समय तक काला रखता है। आप इसको मेहंदी में और इसी तरह इसको भी इस तरह से भी पीस के भी लगा सकते हैं बाल में तो इस जो कि लंबे समय तक बाल जो कि काला रहता है तो इसके कई फ़ायदे हैं फिर फूल फर और पत्तियों का। और
ये वाला। आज आप लोग को पूरा इतना फूल पत्ती फूल क्या लगाई हूँ सारा चीज़। तो इसको फ्रेंड देख सकते हैं, इसको मदार बोलते हैं। फिर ये मदार है, ये वाइट वाला मदार है, क्योंकि गणेश भगवान का मतलब काफ़ी शुभ माना जाता है और ये घर के आसपास रहता है तो सुख शांति और आपस में जो कि प्यार बनाए रखता है ये पौधा के। और पुदीना, हाँ अच्छा पुदीना भी दिखा दे, मीठी नींब। अच्छा तो आओ आओ, आ रहा है सही है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसको निटोरा बोलते हैं, देख सकते हैं पत्ती पत्ती है निटोरा, देख सकते हैं फर है इसको, मतलब ये फर है फ्रेंड देख सकते हैं। भी ये छोटा है और ये बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, इसका अचार बनता है, इसके जो फूल होते हैं फ्रेंड इसका सब्जी भी बनती है। तो इसका मैं अचार बनाऊँगी फ्रेंड, इसकी रेसिपी आप लोग को मैं दिखाऊँगी। अभी बहुत छोटे हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तोड़ने लायक हो जाएगा तो आप लोग को मैं इसको दिखाऊँगी। यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं फिर देख सकते हैं, हम लोग इसको निटोरा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। देख सकते हैं फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देख सकते हैं फिर सारे फल लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितने फल गिर जा रहे हैं हमारे से, फिर देख सकते हैं सब गिर जा रहा है यहाँ पर। अब इसमें फ्रेस एक लाशा होता है, आप लोग को मैं फोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं फिर, देख सकते हैं ये लाशा है इसमें, जो कि इसकी सब्जी भी बनती है और इसका अचार बनता है, तो इसका मीठा अचार भी बनता है। तो देख सकते हैं फिर लाशा भी है, देख सकते हाथ से ये पक जाएगा फ्रेंड, जब ये मतलब पीला हो जाता है तो इसकी जो कि सूखा मतलब सूखा मतलब धूप में इसको सुखवाने के बाद इसको लंबे समय तक मतलब इसकी सब्जी भी बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर है छोटे छोटे, इसमें फर भी लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर भी फर है, यहाँ पर भी फर है, यहाँ पर भी फर है। तो ये भी छोटा है फ्रेंड, अभी करीब ये 2 साल 2.5 साल हुआ होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम फरा हुआ है, पहली बार फरा हुआ है। तो आइए बाबू, और यहाँ पर लंगूर चल गए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का हलवा बन रहा है, और कौन बना रहा है दिखा रहे हैं आप लोग को, देख सकते हैं बाबू बना रहे हैं। इसमें क्या क्या डाले हैं बाबू? बस सूजी, हाँ, और रिफाइन। अच्छा उसको क्या कर रहे हो? तो इसमें थोड़ा सा लाल हो जाएगा फ्रेंड, इसमें चीनी और पानी, आप चाहे तो इसमें गरी चिरौजी सब चीज डाल सकते हैं, इलायची है ना, इलायची भी डाल सकते हैं। तो गया है जो पानी बाबू डाल रहे हैं, डालिए डालिए और डालिए और डालिए, देख सकते हैं आज सूजी का हलवा का पार्टी होगा, इसमें भी डालिए, दीजिए रखिए 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 उसको उसको ऐसे करिए बस नहीं, अब चीनी डालिए पहले। तो इसमें से चीनी जा रहा है 2 गिलास, छोटा साइज का गिलास है, देख सकते हैं छोटा साइज का गिलास है, और ज़्यादा पानी मत डालिए बाबू गीला हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर बाबू आज बना रहे हैं, इनका मन है खाने का, तो यहाँ पर पकेगा फिर 5 मिनट पकेगा अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कितना टेस्टी हलवा बना बाबू बनाए हैं, और बाबू खा के भी बताएंगे, देख सकते हैं। अगर खाना है मेरे बाबू का हाथ से हलवा तो ज़रूर आइएगा, पीछे हो जाइए बेटा थोड़ा सा, अब खा के बताइए मीठा है कि नहीं, कैसा बाबू जो भी बनाते हैं बहुत ही चाइनीज स्टाइल में बना के दिखाएंगे ना बाबू, सब्जी हो या कोई चीज़ हो बहुत ही अच्छा बनाते हैं रेसिपी उनकी। मेरे यहाँ पर बैठ जाइए, हम हटे रखिए बैठ जाइए, देखिए आज हलवा की पार्टी ना जी, खा के बताइए क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? आनंद लेके खा रहे हो यस, मीठा है कैसा है बाबू? सही हो, हाथ से कैसे करते हैं? कैसा है यस? हमें बनाई मम्मी को अच्छा लगा। हाँ नहीं तुम अच्छा बनाते हो, देखिए हमारे लिए भी लाए हैं फिर, चलिए हम भी खा लेते हैं और बताते हैं कैसा बना है। अच्छा है, टेस्टी है, इसमें बस फ्रेंड्स सब चीज़ है, मतलब चीनी है, घी है,
बस इसमें कमी है काजू किशमिश गरी इलायची और चाय। हम लोग छत पर आ गए हैं और शाम का समय हो रहा है, देख सकते हैं सूर्य भगवान भी अस्त हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं डाली हूँ रहर, देख सकते हैं रहर, इसको भी हम लोग उठाने आए हैं छत पर। और धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर देख सकते हैं पीछे भी आम का पेड़ है, तो आम मतलब फरा हुआ है, देख सकते हैं फिर। और यहाँ पर बाबू देख सकते हैं, जय श्री राम। देखिए यहाँ पर चिड़िया का चिड़िया है फ्रेंड्स, एक लाइन से जा रही हैं, तो वही बोल रहे हैं बहुत दूर बहुत दूर। हाँ 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 देख रहे हैं बहुत दूर है फ्रेंड्स। तमी तो के जादू करेगा, जादू ना हा समुद्र किनारे चल जो ना रेती है ना ओकर नीचे सारी ओकर पार हो, तमा ओकर नीचे राम देव भी ओकर पारन हो। हां क्या बेटा क्या दे? अच्छा दे रहे हैं। कहां जाओगे? कहां जाओगे? जय श्री राम। कहां जाना? गोल गोल पानी, इतना पानी कहाँ जाना है? देने जाना है तो जाओ दे दो, अभी तो गई है इधर से, जा रहे देने, कैसे दोगे? फट गोल हो हमारा, धूप से हो गया है बाबू, धूप से आपका निकल गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फटाफट सारे जो कि समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर आम लगे हैं। और जो कि आप लोग को कल यार मैं छत पर नहीं आ पाई, जो कि आप नहीं देखा पाई, तो देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर आम लगे हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाली हुई फैलाई, इसको भी समेटना है। और शाम भी होने वाला है, सूर्य भगवान अस्त भी हो गए, मैं जय कर लेती हूँ। और यहाँ पर बाबू अपना देख सकते हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हैं। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर दिया करिए, और प्लीज़ मेरे प्यार पर कमेंट भी कर दिया करिए। ऐसे ही सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।